समंदर के किनारे एक महानपुर नाम का गांव था। वो गांव बहुत खुशहाल था। उस गांव में बिलुआ और कलुआ नाम के दो पड़ोसी थे। दोनों एक दिन सरपंच के यहाँ होते हैं। सरपंच जी, हम एकदम सच बोल रहे हैं, हमने कलुआ की बकरी को कुछ नहीं खिलाया। हमको राजू ने बताया, उसने अपनी आंखों से देखा था, बिलुआ हमारी बकरी को घास खिला रहा था। इसके बाद से ही हमारी बकरी को दस्त लग गए हैं, वो दूध भी नहीं दे रही। नहीं सरपंच साहब, चुप हो जाओ तुम दोनों। किसकी बकरी को किसने घास खिलाया मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से, और मेरा समय बर्बाद करने के लिए तुम दोनों की सजा है कि मेरे लिए 2 किलो काजू और बादाम लेकर आओ। जाओ यहाँ से। बिलुआ और कलुआ चुपचाप सर झुकाकर वहाँ से चल देते हैं। कितना मूर्ख सरपंच है हमारा, उससे महामूर्ख तो तुम हो जो उसके पास जाते हो। अपना फायदा कराकर हम दोनों को फंसा दिया उसने। काजू बादाम के दाम मालूम है? आगे से अगर तूने मेरी बकरी को कुछ भी खिलाया तो देख लेना। अरे मूर्ख इंसान, मैंने 100 बार बताया कि मैंने तेरी बकरी को कुछ नहीं खिलाया। तू अपनी बकरी का ख्याल ठीक से रखा कर। है इस बात को लेकर बिलुआ और कलुआ 1 महीने तक बातचीत बंद रखते हैं। एक दिन बिलुआ और कलुआ दोनों मछली पकड़ने का कांटा लेकर निकलते हैं। रास्ते में दोनों टकरा जाते हैं। बिलुआ, अब तेरी बकरी ठीक है कि नहीं? वो जितने दिन तुम जैसे लोगों से दूर रहती है वो ठीक ही रहती है। हाँ, तुम और तुम्हारी बकरी हमसे तो दूर ही रहा करो, हम बुलाते थोड़ी हैं। आज तुम ये मछली का कांटा लेकर कहाँ जा रहे हो? यूं ही टहलने निकला था, सोचा ये कांटा अकेले क्यों रहे, इसे भी साथ ले चलूं। ए भाई, ऐसा सवाल पूछता है क्यों? मछली पकड़ने का कांटा लेकर मछली पकड़ने ही जाऊंगा ना? तुमसे ना होने वाला मछली पकड़ने का काम, तुम ऐसे काम करते क्यों हो जो तुमसे हो ही ना। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है फिर आज तो हो जाए मुकाबला। चलो देखते हैं कौन ज्यादा मछलियाँ पकड़ता है। कलुआ और बिलुआ साथ में समंदर के किनारे पहुँचते हैं। बिलुआ और कलुआ दोनों मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। कलुआ एक के बाद एक मछलियाँ पकड़ते जा रहा था। वहीं बिलुआ के कांटे में अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो हार जाऊंगा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस किनारे पर ऐसी जगह थी जहाँ पर खतरे का निशान बना हुआ था। उस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जो उस जगह पर जाता है वो लौट कर नहीं आता। पर उस जगह पर बहुत सी मछलियां थीं। बिलुआ जीतने के लालच में उसी जगह पर मछली पकड़ने चला जाता है। अचानक से उसका कांटा जोर से टन्नाता है। अरे वाह, लगता है मेरे कांटे में बहुत बड़ी मछली फंसी है, अब तो मैं ही जीतूंगा। कलुआ बिलुआ की तरफ देखता है। बिलुआ का कांटा बहुत तेज टनटना रहा था, बिलुआ से वो संभाला नहीं जा रहा था। कलुआ भी उसी पानी की तरफ चला गया और वो भी संभाल नहीं पाया। अरे बिलुआ, मरेगा क्या, कांटा छोड़। हाँ तू तो ऐसा ही कहेगा, इतनी बड़ी मछली है, मैं अपना कांटा नहीं छोड़ूंगा, इसे अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं जीत जाऊंगा। बिलुआ कांटे को पकड़े हुए था और कलुआ बिलुआ के पैरों को। अचानक से वहां बहुत सुनहरी लाइट आने लगी। दोनों की आंखें चौंधी आ गईं। बड़ी मुश्किल से बिलुआ आंखें खोलकर देखने लगा तो देखता है कि वो मछली सोने की बनी होती है और उससे बहुत सुनहरी लाइट निकल रही थी और वो उन दोनों को समुद्र के बीचों बीच ले जा रही थी। हाय रे दैया, ये क्या है, मैंने सोने की मछली पकड़ रखी है। आज के बाद तो मुझे कभी भी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, मेरे तो भाग्य खुल गए भगवान। ये जरूर कोई मायावी जाल है, ये हमें समुद्र के बीचों बीच क्यों ले जा रही है। बिलुआ कांटा छोड़ दे,
और चल तैर कर किनारे पर चलते हैं। तुझे जाना है तो जा, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। बिलुआ और कलुआ इतनी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बहुत सारी सुनहरी लाइट आ गईं और दोनों बेहोश हो गए। बिलुआ ने उठते ही अपनी सोने की मछली को खोजा। वो जिस मिट्टी पर सोया हुआ था वो पूरी ही सोने की बनी थी। वो अपने बगल में देखता है तो वहाँ कलुआ बेहोश पड़ा था। कलुआ उठकर देख, हम कहाँ आ गए हैं। कलुआ उठ जाता है और फिर थोड़ा होश में आता है। अपने आसपास से सब तरफ सब कुछ उसे सुनहरा नजर आ रहा था। वो बिलुआ से कहता है, ये तू कहाँ ले आया है मुझे? ये कौन सी जगह है? हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। बाहर जाने की बात बाद में, पहले देख तो यहाँ पेड़ पौधे भी सोने के हैं और उसमें पत्ते भी सोने के हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सोना अपने साथ भर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलने का रास्ता खोजेंगे। पूरा जीवन हम ऐसे आराम से जी पाएंगे भाई। बिलुआ जल्दी जल्दी बहुत सारे सोने को जमा करने लगता है। तभी उनके सामने एक छोटे कद का एक आदमखोर सोने की तलवार लेकर आता है। वो बिलुआ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिलुआ उसका रंग रूप देखकर चौंक जाता है। वो कलुआ को आवाज लगाता है। कलुआ भी आदमी को देखकर चौंक जाता है। वो आदमी एक उंगली कलुआ की ओर करता है और दूसरी उंगली बिलुआ की ओर, और फिर अपने पीछे आने का इशारा करता है। जब वो देखता है कि दोनों पीछे नहीं आ रहे तो अपनी तलवार पटकता है और फिर से इशारा करता है। बिलुआ और कलुआ उसका पीछा करते हैं। दोनों बहुत ही डरे हुए थे। वो आदमी उन दोनों को एक गेट के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। बिलुआ जल्दी से गेट खोलने लगा। तभी उस गेट से एक मछली नुमा राक्षस बाहर आ गया। सुनहरे टापू में आपका स्वागत है। अब होगा आपके साथ खेल। आपको यहाँ दो दरवाजे दिखाए गए हैं, एक है सोने का और एक लकड़ी का। जिस दरवाजे से दिल करे उस दरवाजे से जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। चल जल्दी से सुनहरे दरवाजे से चलते हैं। इतने सोने में तो हमें पूरी जिंदगी में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हमारे बच्चे और पोते पोती भी आराम से जीवन काटेंगे। अरे ये तो मुझे कोई चाल लगता है। अब इन लोगों से मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लकड़ी का दरवाजा ठीक लगता है, चल हम इससे चलते हैं। तू पागल है क्या है? घर आई लक्ष्मी को मैं ऐसे कैसे ठुकरा दूं? मैं नहीं ठुकरा कर जा सकता। तुझे जो करना है कर ले, मैं सुनहरे दरवाजे से जा रहा हूँ। कलुआ को लकड़ी का दरवाजा ही ठीक लगा तो वो उसी ओर चला जाता है और बिलुआ सुनहरे दरवाजे से जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला वो एक दरबार में पहुंच गया। वहां सिंहासन पर एक मछली के शरीर पर इंसान के सिर वाली औरत बैठी थी। वो भी सुनहरे रंग की थी, उसके बाल भी सुनहरे थे। पूरी दरबारी छोटे कद के आदमखोर थे जो कि हाथों में तलवार लिए थे। उसे देखते ही ये सब हल्ला करने लगे। शांति, सबकी इच्छा पूरी होगी। तो तुम ही हो वो गुनहगार जो आज शिकार बना है? आज तो बड़ा मजा आ गया। सारे छोटे कद के आदमखोर अपनी तलवार पटक कर हल्ला करने लगे। औरत ने उन्हें शांत होने का इशारा किया। बहुत दिनों बाद हमें शिकार मिला है, हमला। बिलुआ को कुछ समझ नहीं आया। अचानक से सारे आदमखोर उसकी ओर दौड़ने लगे। बिलुआ दौड़कर उस औरत नुमा मछली के सिंहासन के नीचे उसकी पूंछ पकड़ लेता है। मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में लालच आ गया, जाने दीजिए। यहाँ आने का रास्ता तो बहुत सुनहरा है पर यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। तुम
अगर लकड़ी के दरवाजे से जाते तो सीधा किनारे पर पहुंच जाते, पर तुम्हारे मन में तो सोने का ही लालच है। इतना कहकर वो अपनी पूंछ से एक बार जोर से बिलुआ को मारती है और बिलुआ लुढ़कता हुआ सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है। सारे आदमखोर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। इधर कलुआ किनारे पर पहुंच गया था। उसे बिलुआ की आवाज सुनाई दी। अरे ये तो बिलुआ की आवाज है, मेरा शक सही था, वो जरूर मुश्किल में है, अब मैं क्या करूं? कलुआ बहुत घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मदद चाहिए, मेरा दोस्त मुसीबत में है, मुझे मदद चाहिए। तभी वो देखता है कि समुद्र के दूसरे किनारे से एक बड़ा सा पक्षी उड़कर आ रहा था। वो पक्षी कलुआ के सामने आकर रुका। सच्चे दिल से जिसने मदद की गुहार लगाई, पक्षी राज उसे बचाने आए हैं। कलुआ ने पक्षी राज को सारी बातें बताई। हाँ, वो आदमखोरों का टापू है, उसकी रानी एक जलपरी है। वो सोने से लोगों को ललचा कर अपने टापू पर फंसा लेती है। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम पहले हो जो लकड़ी के दरवाजे से निकलकर बच गए हो। कलुआ पक्षीराज की पीठ पर बैठ गया। पक्षीराज बहुत तेज उड़ान भरने लगा और समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर नीचे उतरने लगा। वहां से बिलुआ की आवाज आ रही थी। उड़ते उड़ते उसी जगह पर वो लोग बिलुआ के पास उतरते हैं। उन्हें देखकर सारे आदमखोर चौकन्ने हो गए। जल्दी से वो बिलुआ को अपनी पीठ पर बिठाते हैं और फिर उड़कर किनारे पर ले आते हैं। यार कलुआ, तू सही कहता था, सोने का दरवाजा सच में एक माया जाल था। मैं इस जाल में फंस गया, तूने मुझे बचाया, इसका मैं जीवन भर शुक्रिया करूंगा और ये सीख याद रखूंगा। दोनों पक्षी राज को उड़कर जाता हुआ देखते हैं। कलुआ मन ही मन उसे बहुत शुक्रिया करता है। उसके बाद बिलुआ को लालच न करने की सीख मिलती है और कलुआ और बिलुआ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।